वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो हम लोग आ चुके हैं द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल के अंदर, B3 के अंदर अभी हम लोग यहां पर है। और आज हमारे पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी, या फिर आप कह सकते हो एक बीस कार है जो हमारे पास आई है, जिसके ऊपर हम लोग ग्रेफीन वाला जो अपना पूरा न्यू प्रोसेस है वो करने वाले हैं। आज हमारे साथ एक मैम भी है, तो एक बार मैं चाहूंगा प्लीज अपना आप नाम बताइए। ठीक है मैम, जो है ग्रेटर नोएडा से आए, और आप लोग कह सकते हो कि डिटेलिंग बुल में बहुत मतलब कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम तो बहुत एक हो जाएगा, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? मैं आपके रेफरेंस से ही जो पिछले साल से मैंने सेरेमिक का जब मुझे मतलब थोड़ा सा नॉलेज हुआ, ठीक है, सो पिछले साल मैंने उसके सेरेमिक करवाई थी एंड देन फिर अभी मैंने वेल्सर से पूछा कि और मैं इसमें क्या करवा सकती हूँ। सो अभी आपकी कॉम लेटेस्ट वीडियो आई थी जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसे ही होता है कि वो पहले ऑब्जर्व करते हैं अगेन हर चीज के ऊपर। सेरेमिक के ऊपर भी हमने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई है, उसका ग्रेफीन के बारे में बात आता है, तो एक छोटा छोटा जो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। सो अगर सेरेमिक के बारे में बात करोगे तो सेरेमिक जो है छोटा भाई है और ग्रेफीन जो है उसका बड़ा भाई है। तो ग्रेफीन का क्या है, 5 कोट जो आप सेरेमिक कराओगे उसका 1 कोट ग्रेफीन, ठीक है। सो आज की वीडियो में कैसे ये पूरा प्रोसेस रहेगा वो मैं आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ। अगेन मैम से हम लोग लास्ट में फीडबैक जरूर लेंगे कि अभी तक जो काम करवाया है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल का था कि नहीं था, अगर मैंने रिकमेंड किया तो क्या वो चीज़ वैसी हो रही है कि नहीं हो रही है। सो करते हैं आज की इस वीडियो। आप लोगों ने ऑलरेडी सेरेमिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी, ग्रेफीन के ऊपर हमने कितने 2 वीडियो बनाई है, एक ही बनाई है अभी तक, बनाई दो आई एक अभी। अच्छा, हमने वैसे 2 शूट कर चुके हैं लेकिन आई एक ही है। दूसरा शूट जो मैंने किया है वो मैं पहले ही रिवील कर देता हूँ,
नहीं पहले वो ये वीडियो उसके बाद आ रही होगी, उससे पहले आ रही होगी, इसके बाद आएगी वो। तो हम लोगों ने 2021 की फोर्ड एंडेवर के ऊपर भी ग्रेफीन कोटिंग की है, और मतलब आप लगा लो जब हम लोगों ने फोर्ड एंडेवर के ऊपर किया था वो कितने लोग आए थे भैया जब एक कोटिंग हो रही थी? पूरा ग्रुप आ रखा था जो फोर्ड एंडेवर का हमारा, उन्होंने स्नो ड्राइव भी किया, बहुत सारे ड्राइव उन्होंने जो है उसका पूरा पार्ट बने थे, और इट वाज अ सुपर डुपर नाइस थिंग जो कि हम लोगों ने ऑब्जर्व करी। उन्होंने हमें फीडबैक भी दिया, वो आने वाली वीडियोस में आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल के लिए आज जो गाड़ी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दैट इज अ टोयोटा फॉर्च्यूनर, और ये सबसे मतलब कह सकते हो आप लोग फेवरेट, जो कहते हैं ना फेवरेट शेप है, तो ये मेरी फेवरेट शेप है। और नई वाली जो आपकी लेजेंडर वाली आई है, नो डाउट 45 लाख रुपए की आपको गाड़ी मिलती है, लेकिन अगेन अगर मेरे से अभी आप पर्सनल लेवल में पूछोगे तो ये हम लोग लेके इसमें बॉडी किट लगा के उसको बना सकते हैं, क्या कहते हो भैया? जहाँ तक बात करोगे आज के प्रोसेस के बारे में तो हम लोग डिटेलिंग मूल में आए हुए हैं, जहाँ के कह सकते हो आप लोग एक प्राउड ओनर जो है वो है हमारे वेद भैया। वेद भैया बोलते हैं कि मैं बहुत छोटा सा स्टोर चलाता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं भैया के पास बहुत सारे स्टोर है, ठीक है, और अभी जो है एड ऑन जो है आप लोगों के प्यार मोहब्बत से और चीजें बढ़ती जा रही है। तो वेद भैया फिर से ग्रेफीन कोटिंग के बारे में बहुत शॉर्ट, क्योंकि वीडियो जो है हमने अच्छी सी रखनी है, क्रिस्पी रखनी है, तो एक बार बताओ कि क्या है ग्रेफीन? अगेन मैंने पिछले वाली वीडियो में कवर किया था, ग्रेफीन इज अ काइंड ऑफ सेरेमिक ओनली, बट इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ सेरेमिक, इट्स अ ब्लेंड ऑफ ग्रेफीन एंड सेरेमिक कोटिंग। ग्रेफीन जो लोग थोड़ा सा इस फील्ड से या केमिकल इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड ग्रेफीन इज अ न्यू कंपाउंड, वेरी लाइट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। हाउएवर द रीजन वी आर मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज ये गाड़ी ऑलरेडी हमसे पहले सेरेमिक हो चुकी थी 10 इंच, ठीक है, बट वी हैव कॉल्ड दिस कस्टमर टू do a recoat of ग्रेफीन। Okay. So ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए भी था, वी वांट टू कम्युनिकेट जिन लोगों ने हमसे एक या दो साल में सेरेमिक कराई है, दे कैन अपग्रेड देयर कोटिंग टू ग्रेफीन बिकॉज दे बोथ हैव द सेम कंपाउंड, करेक्ट, बेस कंपाउंड। सो अगर हम सेरेमिक की बात करेंगे या ग्रेफीन की बात करेंगे, दोनों का सेम कंपाउंड। और गाइस देखो, एक पर्सनल लेवल में मैं आप लोगों को ओपिनियन दे देता हूँ, ये आप लोग अच्छा मानो या फिर जैसा भी हो, तो ब्लैक कार या फिर जितने भी जैसे रेड कलर हो गया या फिर जो बिल्कुल मतलब कहते ना कि शोई कलर होते हैं जिसमें आप लोग अटैच कर सकते हो अपने आप को, सो इनमें आप लोग अगर सेरेमिक कराते हो या ग्रेफीन कराते हो, इसमें आप लोग दो चीज़ों का काम कर सकते हो। इसमें आप लोगों के वॉलपेपर जो अच्छे निकल जाते हैं, अगर आप बनाना चाहो बिल्कुल एक ऊपर वाला नीचे वाला लुक बन जाता है, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को चीज़ दिखा दूंगा। स्पेशली ब्लैक कलर में आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, जो क्लैरिटी होगी वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। एंड अगेन इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, वेद भैया से जब भी आप लोग ये चीज़ें करवाते हो तो भैया के पास एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसको हम लोग कपड़ा बोलते हैं, जो आपके सुबह गाड़ी साफ करने वाला था, भैया के पास एक स्पेशल कपड़ा है, क्या बोलते हैं उसको? तो भाई ज्यादा महंगा है नहीं, खरीद लेना चाहे तुम, कुछ और खरीदो ना खरीदो, बुजू क्लोथ खरीद के जाना। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है, और भाई मतलब अगर उसको आप अपनी गाड़ी को वाले को साफ करने के लिए दोगे तो अगर वो उसको रब करता है तो होता है क्या, गाड़ी वाले यूजली ऐसे करके साफ करते हैं, तो उस कपड़े के साथ सेफ्टी रहती है और साथ में रिलायबल है, चाहो तो पैक ऑफ 5 भी खरीद सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो आज जो है इसका प्रोसेस कर रहे हैं, क्लीनिंग वाला हर बारी दिखाया, एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाया तो इंट्रो वाला कैसा पूरा लेवल आता है, और उसके बाद फिर आप लोगों को सो गाइज बारी आ चुकी है कि हम लोग ग्रेफीन कोटिंग का जो पूरा रिस्पांस है वो आप लोगों को चेकआउट कराए। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर की ग्रेफीन कोटिंग ही है, सर्टिफाइड ओरिजिनल कोटिंग। अगर आप लोगों को सफ़ेद रंग की ग्रेफीन कोटिंग देता है तो क्या कर रहा है भैया वो हमारे साथ? वो पैसे बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेयर वाइज लेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बहुत इजी शब्दों में अगर आप लोग समझना चाहो तो इसको इक्वली जो है सब जगह स्प्रेड किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी जो कहते हैं ना ये टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी ये है कि ये सूखता है तो ये चिपकता नहीं है, इसको आप लोग इजिली जो है क्लीन कर सकते हो। इसके लिए हमारे यहाँ पर जितने भी आप लोग कहते हो ना कि भाई जो वर्क करने वाले हैं, जो भी प्री वर्क करने वाले हैं, दे आर वेरी सर्टिफाइड अबाउट इट, भैया ने उनको जो है ट्रेन किया है, भैया पर्सनली भी करते हैं कि जिससे लड़के सीख सके, लर्निंग तो हमेशा चलती रहती है, है ना। और भैया ने जो है मेरी गाड़ी की जब वो रैपिंग वाली वीडियो वाला था उसमें भैया ने काफ़ी मेरा साथ दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल इक्वली जो है हर चीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एक चीज़ भैया ग्रेफीन कोटिंग के बारे में, एक बार कोटिंग हाथ में पकड़ लो, मैंने इसको उस दिन ग्रेफीन को थोड़े देर पकड़ के रखा था, मेरी नाक के अंदर ही थोड़े से इसके मतलब वो गई थी खुशबू, तो मतलब थोड़ा चक्कर सा आ गया, क्या चीज़ होता है? नो डाउट एसिडिक तो है ऐसी, ग्रेफीन इज अगेन कार्बन बेस्ड कंपाउंड, सेरेमिक अपने आप में ऐसे O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा एसिडिक तो होती है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो है तो केमिकल्स ही। चलो भाई
ये मतलब ये घबराने वाली बात नहीं है, इसीलिए बोलते हैं डोंट ट्राई दिस एट होम। अगर आपको ये मिल जाए, कोई कहते हैं कि ये लोग ग्रेफीन, तो डोंट ट्राई दिस एट होम। अपनी गाड़ी का ध्यान जो है आप लोग डिटेलिंग स्टोर में रख सकते हो। अगर आप लोग डिफरेंस देखना चाहो, यहाँ पर भी आप लोगों को मैं एक अच्छा खासा वाला डिफरेंस दिखा रहा हूँ, जिसमें हमने कोट कर दिया, यहाँ पर अभी अनकोट है। अब बोलना मत अभी यार ये तो तुमने इसको ढक दिया तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब इसका आफ्टर इफेक्ट आता है, क्योंकि आप लोगों को 2 दिन में 3 दिन में आप लोगों को दिखना स्टार्ट होगा, तो आप लोग जो है बिल्कुल अमेज हो जाओगे। और BMW के बारे में अगर बात करते हैं भाई, तुम्हें कभी मौका मिले मेरे BMW देख लेना एक बार, सिल्की स्मूथ। अच्छा एक चीज और भी मैं भूल गया यार, मेन चीज तो मैं भूल गया हूँ, अब मेरी गाड़ी की बॉडी किट का काम कंप्लीट हो गया, तो उसमें हम PPF करेंगे, मैप मैट वाली, हम ना मिक्स एंड मैचेस में काम करेंगे। हाँ क्या करेंगे, थोड़ी जगह PPF लगाएंगे, थोड़ी जगह ग्रिफिन करेंगे, थोड़ी जगह सेरेमिक करेंगे, तो भाई ग्रिफिन पे आई ग्लॉस कर देंगे। ठीक है भाई, ये भाई देख लो भैया ने आपको अलग चीज बताई है, और यहाँ पर आप लोग देख लो। और भैया एक चीज, और पूरी एक बॉटल जो है वो पूरी की पूरी यूज होती है, SUV पे ऑलमोस्ट 2 के आसपास यूज हो सकती है, 2 बॉटल्स। हाँ 2 बॉटल्स, 50 ml बॉटल। तो कभी आपके पास ऐसी कॉल आई है कि भैया मेरे को ये घर के लिए भिजवा दो या ऐसा कर दो, मैं खुद कर लूंगा, आ जाती है, हम थोड़ा समझाते हैं, नहीं समझता तो फिर इग्नोर करते हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तो अब आप लोग एंजॉय करने वाले हो सिनेमेटिक शॉट। लास्ट में जिनकी ये कार है, जो भैया से ऑलरेडी बहुत सारी कार्स का काम करा रहे हैं, अगर वो सर्विस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया ने मेरे को आपके बारे में बहुत चीज़ें बताई है कि आप लोग बिल्कुल गाड़ी का बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करते हैं, और साथ में मैम के बारे में बताया कि मैम एक एक प्रोसेस को बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। शी इज़ दी ओनली कस्टमर मेरे, हमारे पास डिटेलिंग में गाड़ियों में अगर देखे जाएँ तो लेडी कस्टमर सिर्फ 4-5% करेक्ट। शी इज़ वन ऑफ द कस्टमर जो कि प्रोसेस को इंजॉय करती हैं। बिल्कुल, तो हमने 90% लोग देखे हैं जो गाड़ी देते हैं ट्रस्ट करते दे जाते हैं, ठीक है, टोटली फाइन, बट शी ऑलवेज स्टेज देयर, देखती है कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, एंड शी इंजॉयज इट। और जितना मुझे लगता है मतलब ये एक चीज़ ऐसा है, आकृति भी है, जैसे अपनी गाड़ी का जैसे कुछ भी अगर प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे बहुत ध्यान से बिल्कुल चीज़ देखती है। तो भाई यही चीज़ है कि ऐसी लेडी ड्राइवर अपनी गाड़ी पे हो रहा है तो खुद को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कि कल को कोई बंदा पूछे तो एटलीस्ट हम बता करेक्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब थोड़ा सा मिक्स चेंज हो रहा है, इवन जो लोग कहते हैं कि लड़कियाँ गाड़ी नहीं चला सकती, ये नहीं कर सकती, दे आर प्रोफेशनल नाउ, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, दे नो द प्रोसेस एंड दे नो इफ एंड बट ऑफ एवरीथिंग। करेक्ट, बहुत बढ़िया चीज है। और अगर कुछ चीज समझ ना आए तो भैया साहब कभी भी पूछ सकते हो, भैया हमेशा रेडी है बताने के लिए। मैं बड़ी सारी चीजें जो पूछ लेती हूँ भैया से जो मुझे नहीं समझ आती, जैसे कि आई कॉटी जो एक वर्ड था, व्हाट इज आई कॉटी, तो आई कॉटी ओल्ड न्यूज़ है, ठीक है। सो आप लोग सिनेमेटिक एंजॉय करो, फिर आप लोगों से और बातचीत करो। अब जो है हमारा मेन फीडबैक का जो है वो मतलब कहते हैं कि भाई अब जो है हमें चीज़ें पता चलेगी कि वेद भैया जो है कैसा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेद भैया कुछ क्वेश्चंस है जो कि ऑडियंस भी हमसे पूछती है और हम मैम से भी पूछेंगे और साथ से आपसे भी पूछ लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैम की, कितनी गाड़ियों में जो है आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट डन कर चुके हैं? आई बिलीव वी हैव डन 3 कार्स, दिस इज द सेकंड टाइम वी आर क्योरिंग इट, सो 2 बार गया चुकी है और एक हफ्ते बाद थार पे अभी नई वाली थार पे। वेरी नाइस, तो देखो भाई मैंने आप लोगों को जैसा कहा बिल्कुल टेस्टफुली, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी चीज़ होनी चाहिए। तो वेद भैया दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैम के थ्रू भी ये फीडबैक आना चाहिए, वेद भैया के वहाँ पर जो वर्किंग प्रोसेस है, जो वर्किंग कल्चर है, और जैसा बोलते ना कि एक ऑरा होता है जगह का, तो कैसा है मैम ऑरा, कैसा है काम वर्किंग का ऑरा? बिल्कुल डाउट के
लाइक जो मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन होती है कि डिटेलिंग जैसे उनका नाम है, तो लाइक हर एक कॉर्नर से लाइक आपको वो चीज़ क्लीन मिलेगी. मतलब आपको वहाँ पे खड़े होके बोलना भी नहीं पड़ेगा ना डायरेक्ट करना पड़ेगा कि प्लीज़ ये क्लीन कर दीजिए, वो क्लीन कर दीजिए. सो ये एक मेरे साथ मेन इशू रहता है कि मैं अगर कहीं भी जाती हूँ तो डिटेलिंग मतलब कोने कोने में मुझे साफ़ सफाई चाहिए होती है. अच्छा मैं एक चीज़ वैसे वेद भैया की तरफ से फीडबैक दे देता हूँ. वेद भैया ने हमें कहा था कि क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारे मतलब हम लोगों ने देखा ऐसे लड़के हो गए, लड़के क्या होते हैं वो थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं कि भाई गाड़ी कैसी है कैसी है. लेकिन भैया ने मेरे को एक फीडबैक दिया कि आप जो है बिल्कुल सारा प्रोसेस पूरा देखते हो, आप इंजॉय करते हो, और मोस्ट प्रॉब्ली जब आप इस कैप्शन को पढ़ोगे तो आपको ये कैप्शन भी पसंद आएगा. अगर अंकल इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंकल जो है बिल्कुल आप मेरे को बताना अंकल कैप्शन कैसा लगा आपको. थर्ड हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया के जितने स्टोर्स है आपने अगर अभी आपने द्वारका वाला विजिट किया, मोस्ट प्रॉब्ली भैया जनकपुरी भी जा चुके हैं, जनकपुरी भी जा चुके हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि क्या हमें स्टोर में कुछ अपग्रेड करना चाहिए? नहीं, अभी के हिसाब से इट्स लाइक वेरी गुड, कुछ जरूरत ही नहीं है. मतलब लाइक जो परफेक्ट है अभी तक का सबसे बेस्ट कौन सा है? मुझे तो यहाँ पे अभी सबसे पसंद आया, बट अभी मैं तो फिर नेक्स्ट वेट कर रही हूँ पीपीएफ का. ठीक है, तो मैं शायद एम्बुलेंस में अगर ये अगर मुझे चांस मिले. सो वी आर गेटिंग आवर स्टोर रिनोवेटेड. ठीक है, वेरी नाइस. तो वेद भैया जो है टाइम के साथ अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत जरूरी चीज है. और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया, फिर से वही चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, कितना टाइम हो गया है, और प्राइसिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि लोग पूछते हैं कि अगर आपने क्योंकि दो बारी अगर काम करवा लिया, तीन बारी काम करा लिया, तो कितने कॉम्पिटिटिव जो है भैया के प्राइसिंग है, और अगेन वर्किंग कल्चर के बारे में हमने बताया, तो कितना प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव भैया का रहता है? ये है कि अगर मैं कहीं और से भी मतलब पता करती हूँ कि कितना क्या है, तो ये प्राइस लेवल तो कहीं मैच हो नहीं पाता. ठीक है, जो यहाँ का है. और मतलब एकदम आप जैसे फैमिली जैसा हो गया कि अब कोई भी चीज़ हो सीधा मैं इनको मतलब कॉन्टैक्ट करती हूँ कि मुझे ये करवाना है, तो मतलब बहुत ही मतलब एक फैमिली की तरह, मतलब नॉट इवन एज अ कस्टमर, मतलब एकदम फैमिली की तरह मुझे हर एक चीज़ इन डेप्थ जाके बताएंगे कि ये सही है वो गलत है, आप इससे ये करवा लो बेटर रहेगा. अभी इन्होंने मेरी हेयर भी की थी, तो उसमें मतलब इन्होंने मैं उस पर ग्रेफिनी करवा ली थी. ठीक है, तो साथ मुझे पीपीएफ भी रेकमेंड किया, जो उन्होंने जिस पर्टिकुलर जगह पे मुझे रेकमेंड किया ऐसे ऐसे करना है, तो वो लाइक बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए. ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हमने पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा, आप एक बार अपना नाम बता दो, कौन कौन सी गाड़ी आप ड्राइव करते हो और कार्स के लिए क्रेज कैसे जगह? मैं ड्राइव करती हूं. आपका नाम सबसे पहले आपका? माय नेम इज बुशरा वसीम एंड आई पुट अप इन ग्रेटर नोएडा एंड थार भी ड्राइव करते हो, तो उसमें से फेवरेट कौन सी आपकी? अभी तो फिलहाल थार ही है. थार है, ठीक है. और कैसे ये पैशन जो है कार से रिलेटेड हो, या फिर कहते ना कि क्योंकि ये कोटिंग भी कराने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप पूरा थोरली इस चीज़ को देखते हो कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, तो ये कैसे मतलब ये पैशन जो है ये पूरा बढ़िया तरीके से बना? आपके चैनल से ही स्टार्ट हुआ. अच्छा, हाँ, पापा के साथ रोज बैठ के मैं रात के वीडियोस एंड ऑल देखती थी आपकी. ओके, तो फिर जब की पहले तो मैंने की किया भी थी, तो सेम जो आपकी अपग्रेडेशन थी वो सेम मतलब मैंने अपने उस पर भी ट्राई की थी. अच्छा, वेरी नाइस. वो सब था एंड देन लेटर ऑन थोड़ा सा गाड़ी अब इतनी सारी आ रही है मार्केट में, उसके बारे में पढ़ना देखना, सो चलो भाई बहुत अच्छा लगा. तो मोस्ट प्रॉब्ली जब आप कैप्शन पढ़ोगे आप लोगों को कैप्शन ही मजा आएगा, कैप्शन में बता नहीं रहा हूँ, थंबनेल भी हम कुछ अच्छा सा रखेंगे. एंड आई गेस गाइस आप लोगों को जो है मैंने एक फीडबैक दे दिया है, ये बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक है, मैंने किसी को नहीं बोला कि अच्छा बोलना, उनका अपना फीडबैक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में एक वीडियो आप लोगों को फीडबैक के साथ आए. और वेद भैया ब्लश करने लगे क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया हमने डिटेलिंग बोल के बारे में. ठीक है, ठीक है. सो गाइज अब हमारा जो लास्ट प्रोसेस और फाइनल प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पर अभी जितने भी लड़के हैं वो थोड़ा सा क्लीनिंग वाला प्रोसेस की तरफ है. यहाँ पर हम लोग बेकिंग कर रहे हैं, बेकिंग के लिए हमारा ये लैम्प होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. यूजली आप लोगों की पेंट की जो कहते हैं ना कि पेंट में पूरा ये जो आपका कोटिंग है ये एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके लिए हम लोग इसको लैम्प को लगाते हैं. इसको ज़्यादा देर तक लगाओगे तो आपका जो पेंट है वो भी ख़राब हो सकता है, इवन अगर कोई प्लास्टिक वाला मटेरियल होगा तो वो आप लोगों का गल भी सकता है, तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है. इसी के साथ में बहुत ईजी प्रोसेस होता है, एंड जो फाइनल हमारी चीज़ बच रही है वो एक और फीडबैक फिर आपसे बात.
गाइज आप लोगों ने पूरा प्रोसेस देख लिया अगेन, जिस पॉइंट तक हम लोग अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकते थे, जो प्रोसेस मैं आपको दिखा सकता था, मैंने आप लोगों को स्टिल एक ऑब्जर्वेशन टाइप और रिव्यू टाइप जो है सब चीज़ दे दी है। अगेन एक चीज़ मैं आप लोगों को और इसमें रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आप में से कभी भी कोई कन्फ्यूज है कि मेरे को अपनी गाड़ी में क्या करवाना है, तो आप लोग कभी स्टोर विजिट करते हो तो PPF का एक हम टेस्ट दिखा सकते हैं, सेरेमिक का भी हम लोग टेस्ट दिखा सकते हैं, और अब जो है हम लोग ग्रेफीन का भी आप लोग को टेस्ट दिखा सकते हैं। जिस चीज़ की हम लोग टेस्टिंग नहीं दिखा सकते वो ड्राई क्लीनिंग है, वॉशिंग है और हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट है, इनका हम लोग आपको आउटपुट नहीं चेक करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी जो रियल डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे टाइम जो है लोग मेरे से पूछते हैं कि कॉस्टिंग के बारे में आप जो है थोड़ा सा और खुल के बात किया करो, तो आज ग्रेफीन कोटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर फॉर द टाइमिंग अगर कोई ग्रेफीन कोटिंग कराने आ रहा है, अगेन इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जो है सबसे पहले जो ग्रेफीन कोटिंग लेके आए हैं, इससे पहले लोगों ने ग्रेफीन कोटिंग जो है उसके बारे में बताया था, लेकिन अगर आप कंपाउंड्स के बारे में देखोगे, अगेन भैया और मेरी R&D भी उसके ऊपर बहुत सारी हुई है, हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन भी किया, लड़ाई भी करी है। कि मैंने भैया को कई बार बोला कि नहीं भैया ग्रेफीन कोटिंग सफ़ेद रंग की होती है, भैया बोलते थे काले रंग की होती है, तो हमने उसके ऊपर R&D करी, एंड में हम लोगों को जो आउटपुट मिला, इवन इंडिया में या दिल्ली में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेफीन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जो ग्रेफीन से चीज़ें बनाते हैं और ग्रेफीन से जो चीज़ें बनती है वो अनब्रेकेबल हो जाती है। Right. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जो एप्पल वॉच अपने हाथों में पहनते हो वो उसमें मेजर कंपोनेंट ग्रेफीन होता है, तो उसमें जो मेजर कंपोनेंट यूज होता है वो ग्रेफीन होता है। कुछ लोग अभी जो इंडिया में काम कर रहे हैं उन्होंने ऐसे सॉक्स बनाए हैं जो कि ग्रेफीन से बनते हैं, और उन सॉक्स को आप लोग फाड़ नहीं सकते। ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है जो भैया और मैंने गैदर कर ली है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, एंड हम लोग अपने आप को ब्लेस्ड बोलते हैं कि हम लोग इसको पहले लेके आ गए। आई नो ये चीज़ कॉपी होगी, बहुत जल्दी से मार्केट में फैलेगी, आपको असलियत पता लगाने के लिए हो सकता है काला रंग भी वो मिक्स करके आपको दिखा दे, लेकिन प्लीज़ जिन लोगों ने इसको स्टार्ट किया उनको अप्रिशिएट करो, और मैं कहूँगा कि आप लोग आउटपुट ज़रूर चेक करो जब भी आप लोग कुछ कराते हो। बाकी ज़्यादा चीज़ें मैंने आज बोल दी है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो इस पॉइंट तक देखे, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो आपका मन करे वो कर देना। अगर इस पॉइंट तक इस वीडियो तो आप लोग पहुँचे हो तो Musafir8811 आप लोग इंस्टाग्राम में और फेसबुक में Musafir स्क्वाड जो है आप लोग पार्ट बन सकते हो। और कुछ है कुछ बताने के लिए हमारे डिटेलिंग बुल के बारे में बताना भूल गया। डिटेलिंग बुल अगर आप फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो ऑन डिटेलिंग बुल ऑफिशियल फॉर पंजाब, यू कैन फॉलो डिटेलिंग बुल पंजाब, ठीक है। वाली वाला है तो पंजाब बोलेगा ना, अभी है ठीक है, और पूरा पंजाब के लिए है, ठीक है। और रही बात प्राइसिंग की जो हमने शायद प्राइसिंग में बता दो, सो इफ इट इज अ न्यू कार एंड वी आर गेटिंग द कोटिंग डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर कर रहे हैं, तो इसकी प्राइसिंग जो होती है वो 30,000 से लेके, छोटी गाड़ी का बताओ, छोटी गाड़ी 30,000 रुपए, और बड़ी गाड़ी का, बड़ी गाड़ी 40 से 50,000 रुपए, 40 से 50,000 रुपए होती है। कुछ ऑफ चल रहा है? ऑफ नहीं, जो लोग अपग्रेड कराना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, जिनकी गाड़ी पिछले 2 साल में कोटिंग हुई है, ठीक है, हम उनकी गाड़ियों पर ये ग्रेफीन अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे तो 6 महीने में हो गई ग्रेफीन, तो तुमसे भी हम 20,000 रुपए लेके जाएंगे, तो अगर उसको हम और अपग्रेड कराना चाहते 20,000 में अपग्रेड हो सकती है। सो अगेन बट जो लोग क्या नाम है, अगर छोटी गाड़ी उन्होंने हमसे सेरेमिक कराई है, 10,000 से लेके 15,000 से 18,000 तक आप देख के उसको अपग्रेड करा सकते हो। अच्छा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द सेरेमिक कोटिंग, तो हमारा 70% काम उसमें खत्म हो चुका है पहले, ठीक है। बट हमने इसको टॉप लेयर को क्या नाम है ग्रेफीन से किया है, दैट कैन बी डन फॉर बट नॉट मोर देन 2 ईयर्स। तो आई गेस आप लोगों को प्राइसिंग के बारे में पता चल चुका है। बाकी भाई अगर आप लोगों को स्टोर विजिट करना है, AMS मॉल सुभाष नगर, उसके बाद यूनिटी वन जनकपुरी, देन द्वारका, तो इन स्टोर्स में आप लोग विजिट कर सकते हो। यूजुअली होता क्या है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो चलती रहती है, कहीं ना कहीं डिफरेंट चीज़ ट्राई करते रहते हैं। जो न्यू चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं मैं आप लोगों को फिर से रिवील कर देता हूँ, उसकी भी टेस्टिंग चल रही है, मेरी गाड़ी के ऊपर लग चुका है वो। तो हम लोग जो आप लोगों का विंडशील्ड होता है, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि मेरे विंडशील्ड के ऊपर रोड में गाड़ी चल रही थी, कोई चिप उतर के आया और इसके ऊपर लगा और छेद हो गया, ठीक है, या फिर क्रैक आ गया। तो होता क्या, नॉर्मली हम लोगों ने एक ऐसी PPF टाइप की चीज़ कह लो, वी कॉल इट अ ग्लास प्रोटेक्शन फिल्म, GPL बोलते हैं, GPL बोलते हैं उसको हम लोग। उसमें क्या, जितनी बार आप गाड़ी को चलाओगे अगर उसमें कुछ भी लगता है तो करीबन आपका वही 6 महीने का, 6 से 8 महीने चल सकती है, 6 से 8 महीने, अगर साल भर भी चल पाई तो सक्सेस, 6 से 8 महीने चलने की चीज़ है, बहुत रीजनेबल निकालेंगे। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, अभी क्या वर्किंग चल रहा है, जो आपका मेन शीशा होता है उसके आगे आपकी विजन कितनी क्लियर होगी हम वही टेस्टिंग कर रहे हैं, और जब लाइट पड़ती है तो कितना डिस्पर्स हो जाता है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ना कुछ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इसी के साथ में आज की वीडियो को एंड कर रहे हैं, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड